Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप के लिए चुनी गई भारतीय टीम क्या, रोहित शर्मा और विराट कोहली को भी मिली जगह, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताने हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें तो टीम इंडिया ने हाल ही में रोहित शर्मा की कप्तानी वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में भाग लिया है और इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया को फाइनल में हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन भारतीय टीम और उसके समर्थकों के मनोबल में गिरावट देखने को नहीं मिली और टीम इंडिया अब आगामी T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों में व्यस्त हो गई है। इसी T20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए टीम इंडिया को 23 नवंबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज भी शुरू हो चुकी है और ऐसा कहा जा रहा है कि BCCI की चयन समिति ने इस सीरीज के लिए जिस टीम का ऐलान किया है उसके अंदर युवा खिलाड़ियों को चुना गया था। लेकिन T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए स्क्वाड को चुनते वक्त मैनेजमेंट कई सीनियर खिलाड़ियों को शामिल कर सकता है। आगामी T20 वर्ल्ड कप को देखते हुए क्रिकेट जगत के कई सितारों ने अपनी अपनी टीमों का ऐलान करना शुरू कर दिया है और अब उन्हीं दिग्गजों में नाम शामिल हो गया है टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज एस श्रीशांत का। जी हाँ, बात करें तो एस श्रीशांत ने हाल ही में T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 के बारे में विस्तार से बताया है। सवाल यह है कि रोहित शर्मा के हाथों में रहेगी टीम इंडिया की कमान। जी हाँ, बात करें तो पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज एस श्रीशांत ने आगामी T20 वर्ल्ड कप को लेकर टीम इंडिया के जिस प्लेइंग 11 का नाम बताया है उस टीम की कमान उन्होंने रोहित शर्मा को सौंपी है। रोहित शर्मा का पक्ष लेते हुए उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा ने इस वर्ल्ड कप में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है और ऐसे में उन्हें ही टीम इंडिया की कमान सौंपी जानी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर मैनेजमेंट रोहित शर्मा की टीम इंडिया की कप्तानी नहीं सौंपती है तो हार्दिक पांड्या के टीम के कप्तान का बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। मैनेजमेंट के द्वारा हर एक हाल में टीम की प्लेइंग 11 में रोहित शर्मा को शामिल करने में ही टीम इंडिया की भलाई है। कुछ ऐसा हो सकता है प्लेइंग 11 का समीकरण। जी हाँ, बात करें तो पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज एस श्रीशांत ने आगामी T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 का जिक्र किया है। उसके अंदर उन्होंने रोहित शर्मा और SSV जायसवाल को बतौर सलामी बल्लेबाज चुना है। इसके अलावा विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, KL राहुल, ईशान किशन को बतौर स्पेशलिस्ट बल्लेबाज चुना गया है। वहीं ऋषभ पंत को बतौर विकेट कीपर की टीम इंडिया के साथ जोड़ा जाएगा। ऑलराउंडर के रूप में प्लेइंग 11 में रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या रहेंगे और वहीं बतौर गेंदबाज मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को चुना गया है। तो ये कुछ अपडेट रहा है। बाकी आप लोग क्या चाहते हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा भी 2024 का वर्ल्ड कप T20 का खेलें, इस पर अपनी राय बताइए। धन्यवाद।